तुम क्यों रो रही हो? वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है। उसने तुम्हारी परवाह नहीं अपने घर की। यार सॉरी कर तो रहा हूं मैं तुमसे। क्या सिर्फ सॉरी का लफ्ज रह गया है मेरे लिए? अच्छा बताओ मैं क्या करूं? पैर पड़ो मेरे। क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना, पैर पड़ के माफी मांगो, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे अपनी माँ के पैर पड़ रहे थे। उसके पीछे रोना बंद कर। मैं मन्नत भाभी के लिए नहीं, आपके लिए रो रही हूँ। क्यों भाई सतारा ही क्यों? एक बार नहीं कई बार अटैक कर चुके हैं आपस में। अक्सर अपने किए गए फैसले गलत समझे। मन्नत भी तो वापस उसी के पास चले गई। जिससे वो कई बार रिजेक्ट कर चुकी थी। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो भाई। अपनी आंखों से जो खुश देख कर आए, उसके साथ इतनी खुश तो वो कभी मेरे साथ भी नहीं। वो खुश है, लेकिन आप क्यों नहीं खुश नजर आ रहे? राधा या मान अब सिर्फ भाभी से इंतकाम लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप नई सितारा के साथ खुश रह सकते, मत करें अपने साथ ऐसा। आप प्लीज मुराद भाई से नाराज ना हो, उनसे लड़ाई ना करें, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है जो उसके वादों पर एतबार कर लेती हूँ। वो मजबूर थे इसलिए आपको लेने नहीं आ सके। अम्मी ने आपकी तरफ जाने से रोकने पर कसम दिलवाई थी उन्हें। वो आपके गुस्से से भी बहुत डरते हैं, तभी तो बात नहीं कर रहे आपसे। और वो कहते हैं ना कि इंसान उसी से डरता है जिससे वो प्यार करता है, उसकी नाराजगी से डरता है। वो आपसे और अम्मी से दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों को नाराज नहीं करना चाहते। तुम्हारा भाई अगर मुझसे प्यार करता होता ना तो उसे मेरी नाराजगी की परवाह होती। आपको नहीं पता, आपकी खातिर उन्होंने अम्मी को कई बार नाराज किया। Really? हाँ ना, तो देखें घर छोड़कर चले गए। हाँ, everything went really well, and I missed you. I wish you could make it. हाँ, yes. नहीं चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। I'll speak to you. Take care. Bye. किससे बातें हो रही है? मन्नत से शादी पे ना आने के लिए माजरत कर रही थी। हाँ, मुराद का भी फोन आया था, वो भी माजरत कर रहा था। चाहते क्या है ये दोनों? वही डिवोर्स और सेपरेशन। और क्या? मुराद तो हरगिज ये नहीं चाहता, और कोई इतनी सी बात पे अपना घर थोड़ी खराब करेगा। इतनी सी बात? कितने दावे किए थे मुराद ने मन्नत को खुश रखने के? कोई एक दिन बताओ जो मन्नत शादी के बाद रोई ना हो। तो कोई ऐसा दिन बताओ जिसमें मन्नत ने मुराद को ना रुलाया हो। जाहिर है तुम उसके दोस्तों उसी का साथ दोगे, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। यानी सारी गलती मुराद की है। और मन्नत जो हम आपके साथ घूम रही है वो किस रिश्ते से? अथर वो उसका कजन और दोस्त है यार। अच्छा, मतलब दोस्ती में और अफेयर में कोई फर्क नहीं? जी। अदालत में खूब रोशनी डाली जाएगी और उन दोनों के वकील पूरी कोशिश करेंगे इनकी दोस्ती और अफेयर को बताने की। अतर कितनी मुश्किल से कोई रिश्ता बनता है ना, और कितनी आसानी से टूट जाता है। क्या कुछ नहीं किया था दोनों ने एक दूसरे के साथ के लिए। अपने बड़ों से कितने झूठ बोले थे उन्होंने। झूठ तो वैसे हमने भी कम नहीं बोले। आंटी तो तुम्हारी पक्की दुश्मन है। आंटी को लगता है कि मन्नत और मुराद की शादी तुमने ही करवाई है। तुम्हें नहीं लगता कि इस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमें कोई रोल प्ले करना चाहिए? मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे अपने जरूरी काम छोड़ के तुम दोनों का मसला हल करने के लिए आए और तुम दोनों एक दूसरे में मगन हो। हद होती है यार। एग्जैक्टली। टाइम भी हमारा वेस्ट हो और दिमाग भी हमारा खर्च हो तुम लोगों को मशवरे देने के लिए, और इंसल्ट भी हमारी हो। तुम लोग तो बहुत सस्ते में छूट गए। ऐसा तो मत कहो, हर बार बिल मैं ही देता हूँ। अब कम से कम जेब तो मेरी इस्तेमाल हो रही है ना। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों तो इंडिपेंडेंट हो, किसी को जवाब दे नहीं हो, लेकिन हम दोनों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने घर में। हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते फोन पर, मिलते भी हैं तो तुम लोगों के साथ मिलते। और वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के मुश्किल वक्त में काम ना आए। ये बात हम भी किन बातों में लग गए यार। एग्जैक्टली। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अभी एक मिनट में अभी लेके आओ जल्दी। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बुरी बात होती है और दोस्तों से पर्सनल बातें छुपाना जुर्म होता है। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो तुम हो। हमजा से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ। तुम मेरे और रानिया के बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? पहले कभी तुमने रानिया का नाम नहीं लिया। पूरी दुनिया जानती। मैं धोखे में रहा। तुम शक्ल नहीं अपनी औकात क्या तेरी? तू करेगा उससे मोहब्बत, तूने क्यों कर रही उससे मोहब्बत? ये आज की तो बर्बादी है। प्यार का दरिया है और डूब कर जाना है। ये जुनूबे खुदी बन गई आशिकी, तूने दी है ये कैसी सजा। घर पहुंच गया तू? अच्छा तू एक काम कर, तू घर पहुंच, अजरा वहीं पे है, मैं बाद में तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। ठीक, ओके। अजरा। हाँ? वो मिसेस इकबाल आई है भाई। मैं आ रही हूँ। मन्नत, वो मिसेस इकबाल आई है, नेबर है हमारी। मैं 2 मिनट में उनसे मिल के आ रही हूँ। ठीक है, जा दे, मैं देखती हूँ। बड़ा जालिम शौहर है वैसे, शादी के फौरन बाद ही काम पर लगा दिया तुमने। तुम? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अज़रा, अज़रा! क्यों? ये घर तुम्हारे बाप का, I mean, तुम्हारे भाइयों का नहीं है जो तुम मुझे यहाँ आने से रोक सको। अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ आओगे, मैं कभी भी अज़रा का इनविटेशन एक्सेप्ट ना करती। और अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ पर हो, मैं अतर का इनविटेशन एक्सेप्ट ना करता। नेवर एवर। और उससे तो मैं भी पूछता हूँ ना जो उसने मुझसे गलत बयानी की। सीरियसली? क्या हुआ? उसके अंदर जाती मैंने लॉक कर दिया। हाँ। पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी, बात नहीं करेगी मुझसे। यार, उससे बात करना इतना जरूरी नहीं है जितना उनका आपस में बात करना जरूरी है, वो भी अकेले में। You're right. हम यहाँ बैठे रह के क्या करें? Let's go somewhere. Coffee? Done. Let's go. चलो। अज़रा, अज़रा, दरवाजा खोलो यार। अज़रा, कोई फायदा नहीं है ये फजूल हरकतें करने का। मेरे पैर भी पड़ जाओगे ना तो भी तुम्हें केस में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। इतना क्या गुजरा नहीं हूं मैं, माफी मांगने के चक्कर में बीवी के पांव पकड़ लूं। मैं अजनाब का चौधरी समझा है क्या? बीवी को थप्पड़ मार के तो चौधरी साहब की शान बढ़ती है ना। थप्पड़ तुमने भी मार दिया था, हिसाब बराबर हो गया ना, तो अब इस मामले को खत्म कर दो। जस्ट लिसन टू दिस। अब पोस्ट्स भी सारी ऐसे ही आ रही हैं। बेइंतहा मोहब्बत करने वाले जब एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं तो उसकी शिद्दत मोहब्बत से कहीं ज्यादा होती है। जस्ट कॉल देम अपना, अपडेट तो लो। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। होना क्या है, अब तक तो सुलह हो गई होगी। तो डर लग रहा है कहीं लड़ना पड़े दोनों, और उनकी तरह हमारा हनीमून भी खटाई में ना पड़ जाए और तुम्हारे पैसे बच जाएं। इसलिए जल्दी से कॉल करो और पता करो क्या हो रहा है। कर रहा हूं कॉल, थोड़ा रिलैक्स कर जाओ। मामला तो थप्पड़ मारने से ही शुरू हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? तो बताओ क्या करूं मैं? आई वॉन्ट अ डिवोर्स। छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? लटका के क्यों रखा हुआ है बीच में? वैसे तो बड़े नाम वाले खानदानी चौधरी बनते फिरते हो, तो फिर करो ना मुझे आजाद। मुझे भी जिंदगी गुजारने का उतना ही हक है मुराद जितना तुम्हें। अच्छा, आजादी चाहिए ना तुम्हें? कर देता हूं तुम्हें आजाद। आजादी चाहिए ना तुम्हें, मुझसे, मेरे पागलपन से। बल्कि तुम्हें क्या, अम्मी को, बहनों को, सबको आजादी चाहिए ना। तो फिर मरने दो मुझे, नहीं रहना मुझे जिंदा। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? मन्नत, ये क्या कर रही हो? जिंदगी में दो ही तरह का जज्बा होता है, एक मोहब्बत का और दूसरा नफरत का। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या, पूरा गांव याद रखेगा। वो ढोलक मास्टर, बैठो मड़ा, अब हमारा साथ संगत करो। तुम हमारे सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता। तुमको आता है पिस्तौल चला? नहीं। हम सिखाते हैं तुम्हें, हाथ रखो, चलाओ। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कांपा। क्या जरूरत थी ये तमाशा करने की? अगर गलती से भी छुरी लग जाती तो तुम्हें कौन से फर्क पड़ता? तुम्हें कभी मेरा दर्द, मेरे जख्म दिखाई नहीं दी? तो तुम कौन सा मेरी याद में घुल घुल कर दुबले होते जा रहे हो? यू सीम हैप्पी, यू've गेन्ड वेट। क्या हुआ? कट लग गया था शायद छुरी से। दिखाओ। ये आराम से। क्या जरूरत थी टार्जन बनने की? तुम्हारी बेवकूफियों को हमेशा मैंने ही तो भुगता है। मेडिसिन लगाऊं? Of course। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे बेहाल है, उसकी एक झलक मेरी जान ले गई। भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां। You're baking a cake, वो भी बीटर के बगैर। शकीबचा कह रहे थे खराब हो गया। You seem to be in a good mood. इस खुशी की वजह? खुशी के लिए कोई वजह की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो बस आपके अंदर होती है। It depends on you कि आप उसे महसूस करते हैं या नहीं। Okay, Confucius, तो आज जो आप अपने अंदर खुशी महसूस करी उसकी क्या वजह है? मौसम कोई खास तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है। भाभी, मैंने अवन प्री हीट कर दिया है, तो प्लीज आप ये बैटर पैन में डाल के अवन में डाल दीजिए। मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। अगर हमाद और तुम्हारी खुशी इसी में है तो खुश रहो तुम दोनों। शुक्र है मेरे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरी बहनें खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? फैसल भाई कब आ रहे हैं? सुबह फोन आया था, शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो तुम क्यों चक्कर लगा लेते उनके पास? तुम्हारी और जर्लिश की टिकट करवा देता हूँ ना मैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? नेक्स्ट वीक आपका और सितारा का निकाह है ना। तो मैं तो मिस नहीं कर सकती। गुड़िया मेरा निकाह? यार शर्म आती है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? सच बोलो अपनी अम्मी से कि मेरे पास आ रहे हो। नहीं बोला जाता सच? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती तो अम्मी को, अगर मैंने उन्हें बताया होता ना मुझे कभी भी ना आने देती। कोई फायदा नहीं उनसे सच बोलने का। तो छोड़ो ना अम्मी को, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने आया हूँ, वो भी इतने मुश्किल हालात में? तुम्हारे लिए मार भी खाई है मैंने, फिर भी खुश नहीं हूं। क्या क्या कहा तूने? एक बार फिर से रिपीट करना। यार आई नीड हेल्प। कोई तरकीब लड़ा मेरा निकाह रुकवाने। यार पूरी दुनिया में तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरी सिचुएशन को समझता। मैंने ठेका ले रखा है तेरी शादी करवाने और रुकवाने का। चल जाए यहाँ से। यार सिचुएशन समझने की कोशिश कर ना। तुझे शर्म नहीं आती दो औरतों की जिंदगियों से खेलते हुए? एक हफ्ता हो गया तुझे चुपके आशिकों की तरह मन्नत से मिलते हुए, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सबको जाके सच बोल दे कि तुम दोनों में रिकंसिलिएशन हो चुकी है। अच्छा देख मैं बता दूंगा, किस बात की जल्दी है? पहले तू मेरी दूसरी शादी तो रुकवा जो मेरे सर पर खड़ी है। खुद चल के आकर खड़ी हो गई है तेरे सर पे, कमीने इंसान। यार गुस्से में था मैं, मतलब तो हम आद के साथ देखा तो रिटेलिएशन में आकर रिश्ते के लिए यहाँ करते, वरना मैं और सितारा। मैं कल भी मन्नत के लिए पागल था और आज भी पागल, मरते दम तक रहूंगा। ये डायलॉग मेरी बजाय अपनी माँ बहनों के सामने जाके बोलेगा तो तेरा मसला फौरन हल हो जाएगा। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। सच वो नहीं है जो इंसान खुद से बोलता है, सच वो है जो डंके की चोट पे सबके सामने बोला जाता है। चौधरी साहब बोलूंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे सर से बला तो टलवा दे। कुछ सोच यार। मैं तो खुद निकाह मुल्तवी नहीं करना चाहती। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का उजड़ा हुआ घर जल्द से जल्द बस जाए। वो तो उन लोगों को भिनक पड़ गई है कि मुराद दूसरी शादी करवा रहा है। अथर का फोन आया था, उसने बताया है कि मन्नत मुराद पर FIR कटवाने लगी है। तलाक नहीं ना हुई हाला। लो भाई नहीं, वो तो खुद ही तलाक लेना चाहती है ना मुराद से, तो फिर क्या लेना देना उसका मुराद की शादी से? अब चाहे वो दूसरी करे, तीसरी करे कि चौथी। हाय हाय शौकत, कुछ तो खुदा का खौफ कर। क्यों मेरा दिल हो लाई जा रहे हैं? मेरी सितारा दा ते पहला पहला ब्याह है ना। वे किहो जी गल्ला कर रहे हैं। सबर कर जा शाकरा, थोड़ा सबर कर जा, खुला हो लैन दे। मैं कितने नठ चली हां, हैं मुराद भी यही है। वकील ने बताया है कि मन्नत मुराद पर FIR इसलिए कटवाना चाहती है कि उस पर दबाव डाल दे ताकि वो खुद उसको तलाक दे। भाई वो तलाक देगा तो तभी वो ₹1,00,000 का हक महर उससे ले सकेगी ना। ले गलती मैं तेनू पहले ही दसी सी रजिया। ए लोग जरा इन्ना ढेर सारा हक महर लिखवा रहे सन, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही सी। हुण तलाक लैके सारा पैसा कब्जे च कर लैणगे। इन्हां ने तो वतीरा फड़िया होया, कारोबार बना लेता है ब्याह ते तलाक नूं। क्या हो गया मोहतरमा, हम कौन सा आपसे 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, लिखवाने के लिए कह रहे हैं ना। हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला, आप यूं समझ लीजिए अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं, इसमें इतने अचंभे की क्या बात, हक है हमारा। बुरा ना मनाना वड्डे भाजी, तुसी हक नहीं मंगन डे, इस तरह लग रहा है साडी बेइज्जती करन डे हो। तो आप ऐसी बात ही मत कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। हमें तो बहरहाल अपनी बेटी की भलाई का सोचना है मौलाना, हम अपने फैसले पर कायम हैं। लो भाई, ये अच्छी जबरदस्ती है। ठीक है, फिर अगर आपका ये ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना फिर वरना क्या, वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं। वैसे पुप्पू जी, आजकल ना औरतें बड़ी डाडी हो गई हैं। इजाजत के बगैर अगर खावन दूसरी शादी करे ना तो फौरन पुलिस का छापा पड़वा देती है ससुराल में। कहीं ऐसा ना हो मुराद के साथ साथ हम सबको भी जेल की हवा खानी पड़ जाए। कुछ नहीं होता अम्मी, 1-2 हफ्ते हम जेल में रह लेंगे, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। फिर वैसे भी निकाह तो हो ही जाना है ना। हाँ हाय, इन्होंने निकाह तो जोड़ा पानी पाई है। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए है हमें, हैं? बाद में कर देंगे निकाह, एक बारी खुला तो हो लेंदे हो, फिर वो दफा दफान हो जाएगी तो फिर करना ही करना है। और जेल में तो होते भी इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता। देख ले रजिया, फिर अपनी गल तो मोड़ी ना। दिल तो मोड़ती है। पता कैसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि भी कुछ ही दिन हुआ तुम्हें मिले, तुम्हें जाने, बस अभी भी इश्क हुआ तुमसे। बीच में जो भी हुआ, कब हुआ, कुछ याद ही नहीं रखना चाहता हूँ। बीच में बहुत कुछ हुआ, झूठे वादे, झूठे बहाने, शादी, सेपरेशन, तुम्हारी अम्मी और बहनें, और फिर वो थप्पड़। यार क्यों अच्छा भला मूड खराब कर रही, और अम्मी और बहनों को बीच में लाने की क्या जरूरत है। फिलहाल तो उन्हें बख्श दो। लेकिन वो तो हमेशा से बीच में थी ना। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में बातें करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया, हमें भी नहीं। मैंने कहा था ना, वो तो हमेशा से ही बीच में थी। बहुत कुछ बदल गया और अब मैं किसी से नहीं डरता। ये देखो, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया।